पता नहीं तो कल की सायंकालीन सत्र में हम लोग चर्चा किए थे कि कुमार के साथ पूरे राष्ट्रीय समुदाय के गुरुजन परिजन ब्राह्मणजन राजमाता आदि समेत कामदगिरी पहुंच करके लो भगवान राम की पर्णशाला पर पहुंच चुके हैं, पहुंचकर मिल भी चुके हैं श्री भरत और शत्रुघ्न श्री राम को मिले और कैसे मिले कल आप शाम को सुन चुके हैं किस प्रकार उनके भेंट हुआ। और ये पता चला कि केवल ये दो भाई नहीं आए हैं, बाकी समाज आया है। वशिष्ठ जी का नाम सुन करके रामचंद्र भी नीचे आए जहाँ लोग सिद्ध थे। तो इसमें वो लोग जो नीचे आ रहे थे वशिष्ठ जी भी उत्सुकतापूर्वक चल रहे थे, उनको भी रोका नहीं जा रहा था। यदि बोले तो मैं रुको हम जाते हैं देख करके, वो भी रानी समुदाय को और सुमंत आदि जितने सभी का उत्कट लालसा था। मंदाकिनी के घाट पर पहुँचे तो घाट में देखे यही घाट है नज़दीक, पर्णकुटे से आते हैं यहीं पर जल भर के ले जाते हैं, यहीं पर स्नान करते हैं। सीताराम जी के स्नान करने का घाट को देख करके जब वशिष्ठ जी ने बताया बोले यही है घाट, इसमें राम घाट है स्नान करते हैं। तो रानी कौशल्या ने बहुत दुखी हुई, रोने लगी, बोले देखो श्री राम भव्य दशरथ की महल में किस प्रकार स्नान कराया जाता था उनको, अब देखिए कैसे उनके स्नान कराते, कोई है नहीं, सेवक सभी का नहीं है, किस प्रकार कपड़ा बदलते गमछा तो नहीं उनके पास, यही डुबकी लगा कर जाते होंगे और किस प्रकार के जल पीते थे, किस जल पात्र में, और यहीं से पता नहीं मटका भी नहीं होगा, कैसे पत्तल में डोने में कैसे पानी लेकर जाते होंगे, रखते होंगे, पीते होंगे। और राम जी के महल के स्थिति वो तो उनको पाल पोस कर बढ़ाई उनको बता है, और यहाँ 1.5 महीना से भी अलग है राम से, ये कैसे यहाँ व्यतीत करते हैं। घाट को देख करके उनने अनुमान लगा करके रोने लगी, बोले कब तक ऐसे दुस्सह दुख को सहन करेंगे। और आगे जिस रास्ता पर देख रहे थे कैसे पगडंडी रास्ता पर, उसको देखकर बोले इसी रास्ता पर चलकर जाते हैं डेली आते हैं, यहाँ राजभवन में किस प्रकार चलते थे, कैसे आते थे, कैसे यहाँ कैसे हैं, ये सब देख करके बड़े दुख प्रकाश करते हैं। उस समय में उधर से श्री राम भरत जी बाकी सब आए, महामिलन हुआ। पहले तो केवल मिलन हुआ था राम भरत, अभी समुदाय के साथ मिले एक एक करके श्री राम जी ने देखे कि समुदाय सबसे पहले वशिष्ठ जी के पास आए, वशिष्ठ जी के चरण में गिरे और उनसे आशीर्वाद लिए, अरुंधति गुरु माता से आशीर्वाद लिए और बाकी जो भी ऋषि मंडली ब्राह्मण गण आए थे सबको, भगवान राम धर्मज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं,
कैसे 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 व्यवहार करना चाहिए, लोक के अनुसार, नीति के अनुसार, वेद के अनुसार परफेक्ट रहे, मिले। और उसके बाद माताओं की दृष्टि गया, वो भी सबसे पहले कैकेयी माता के पास गए। कुशल्या आशा कर रही थी आएगा मेरे पास बेटा, लेकिन उनके पास नहीं गए। सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए। कैकेयी माता ने अब तक चलकर आने में जो जो रीतिमति भरत जी को देखा था, और यहाँ राम लक्ष्मण और पूरे समुदाय जो उनका अनुभव देख करके खूब पश्चाताप कर रही थी, और अपने मन से बहुत प्रयत्न करके प्रार्थना करती थी दो जन को, माता पृथ्वी को और विधाता के इंचार्ज जमराज को। बोले आप दोनों से कोई तो मुझे मदद कीजिए, क्या नहीं, इस अवस्था में पृथ्वी फट जाए मैं उसमें चली जाऊं मेरा, और नहीं तो मैं मर जाऊं वहीं पर, स्पॉट डेथ हो जाए। बहुत प्रार्थना करती, लेकिन दोनों ही नहीं हुआ, उनके बाद दोनों नहीं सुने। कवि कहते हैं क्यों, क्योंकि जो जागृत के स्वप्न में भी अब राम से विमुख हो जाते हैं तो उनको सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिलेगा, तो उनका कौन, नरक में भी उनको स्थान नहीं मिलेगा, तो उनके बाद कौन मानेगा उनको, तो कोई वहां केवल दुर्गति ही दुर्गति हाथ लगेगा और कुछ नहीं है। तो लेकिन उनको वंदना किए राम जा कर कैकेयी के चरण में, और उनकी दुख और सारे रानियों की देख करके राम समझ गए थे कि कुछ तो घटन है, उनके वस्त्र से, उनके मुखारविंद से समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो इतने प्रेम भरी वाणी बोले, दो एक बात बोले उनके सामने खड़े होकर के, उनके सारे दुख संताप को दूर कर दिए, कई कई कभी इतनी शोक स्थिति से भी दूर कर दिए, ये केवल राम ही कर सकते हैं। उनको लिए कोई किसी भी परिस्थिति हो संभालना में दक्ष है, कई कई किसान तक कर दिए। फिर सुमित्रा के पास गए, क्योंकि जिनके पुत्र को उनके सेवा में लगा रखे हैं उनको वंदना किए, और अंत में कौशल्या के पास गए, और फिर बाकी जितने भी सब आए थे सुमंत जी सब के पास गए, सबसे मिले भली प्रकार से, बहुत बड़े मिलन हुआ। अंततः मन में जो चल रहा था, ये क्या है, इस प्रकार वेशभूषा की है, कपड़ा वपड़ा नहीं धोए थे इसलिए सादा कपड़ा पहन कर आए ना क्या जंगल में, इसे क्यों। तो वशिष्ठ जी के पास पहुँचे, वशिष्ठ जी समझ रहे थे कि राम दुविधा में पड़े हुए हैं, तो वशिष्ठ जी बोले विधाता के चाल ऐसा ही है, आप आ गए और आपके प्रेम के प्रण से महाराज स्वर्ग सिधार गए। इस बात को सुन करके राम ने विलाप किए, बहुत दुखी हुए, और उनके साथ में लक्ष्मण जी भी, सीता जी भी, तीनों बहुत दुखी हुए। पूरी रात शोक सभा चला, बिलखते हुए सभी शोक, सारे समुदाय बैठा था, सभी शोक किए, और कंडोलेंस सेरेमनी हुआ वहां रात। दूसरे दिन पूरे निर्जला व्रत रखे, जो भी नीति के अनुसार जलांजलि क्रिया अगर होना चाहिए वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार, श्री राम और लक्ष्मण सीता जी ने किए मंदक नदी में, और उसके बाद व्यवस्था सबके मन में यही चलता है कि ये तो सब हुआ, चलो जो रुक धुक सब शांत हो गए, अब राम अयोध्या चलेंगे या नहीं। सभी के जितने आए थे अयोध्या में, सुनकर इच्छा है कि भरत जी हैं चलाएंगे कुछ तो लेके जाएंगे, जिस प्रकार से आए हैं राम क्या उनके बात को मना कर देंगे।
भरत जी सोच रहे हैं दो दिन हो गया रहने धोने मिलने में साध फाध करने में, बाकी ये सब कष्ट को वृक्षेप नहीं, अब मेन पॉइंट पर क्यों नहीं आते, राम को जाएंगे कि नहीं, राजी होंगे कि नहीं। भरत जी सोच रहे हैं मैं कैसे कहूँ, राम जी बड़े आज्ञाकारी है गुरु जी की, गुरु जी की बात कभी अमान्य नहीं कर सकते। अगर मुनिनाथ गुरु जी वशिष्ठ उनको बोल दें कि चलना है तो चले, उनके आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे, चल पड़ेंगे। लेकिन क्या गुरु जी उनके इच्छा के विरुद्ध कुछ कहेंगे, हम तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। गुरु जी को मैं जानता हूँ और राम को समझते हैं, जो राम के रुख नहीं है, जो उनकी इच्छा नहीं है, उनके विरुद्ध कुछ बात करते ही नहीं, तो भी तो उनके विरुद्ध नहीं करें, उनके कहेंगे नहीं उनको, तो जाएंगे भी क्यों। तो गुरु जी किसे तो हम भी नहीं कर सकते हैं, वो तो नीति के हिसाब से कहेंगे और राम की जो भाएगा नहीं बात कहेंगे नहीं, फिर क्या होगा। इस चिंता में भरत जी को ना दिन में भूख लगता है ना रात को नींद होता है, तो बोले क्या किया जा सकता है। एक बात और सुझा कि अगर माँ कौशल्या अपने प्यारे बेटा को अगर उन्हें बोले कि बेटा चल, तो उनके माँ के आज्ञा को अमान्य नहीं करेंगे, तब तक काम बन सकता है। लेकिन माँ क्या अपने बेटा के मन की विरुद्ध बात कहेगी, इसे हट करेगी, वो भी शायद नहीं कहेंगे। जब वो दोनों नहीं कहेंगे तो मैं कौन सा गाय के गोबर हूं, मैं तो सबसे तुच्छ सबसे छोटा सबसे दुखी हूं, और ऐसे ही मेरा दिन बड़ा खराब चल रहा है, सारे ग्रह नक्षत्र मेरा गड़बड़ चल रहा है, सब ऐसे हो रहा है मेरे लिए, तो मैं कैसे कहूं मेरी बात मानेंगे, इसलिए मुझे सकता है। तो क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। अब तीसरे दिन अब इसी में क्या किया जाए करके सुबह स्नान टान करके मंदाकिनी में सभी स्नान टान के प्रातः कृत्य किए, राम जी के चरण में जा करके सर निमाए, बारंबार प्रणाम करते हैं, नमाते हैं, मनाने के लिए जितने नम्रता जितने भक्ति भावना श्रद्धा सम्मान हो सके उससे ज़्यादा करते हैं, बोल नहीं पाते, नमा कर नीचे करके वहीं बैठे। तो इतने में वशिष्ठ ने बुलावा भेजे, बोल भरत को बुला लाओ। वशिष्ठ जी अब बोले कि तीन चार दिन बीत गया, अब कोई काम की बात करना जाए, अभी जो मिलन फिलन सार्थक क्रिया सब हो गया, मिल मान लिया, अब तो वापस चलना चाहिए। अब बोले कि हम जिसके लिए आए हैं उसके बारे में विचार किया जाए। वशिष्ठ जी भरत को बुलाए, भरत शत्रुघ्न जाके पहुंचे, प्रणाम किए, वशिष्ठ जी और सारे सुजान साधुगण मंडली सब इकट्ठा हो गए। ऐसे सुंदर जगह चुना गया था जहाँ पर सुगंध मंद और शीतल वायु के तीन अच्छे क्वालिटी होते हैं, मंद सुगंध और शीतल वायु चल रहा था, और वन की और घाट की स्थान की इतने सुहावना था, उसकी सुंदरता से किसी भी प्राणी का त्रिताप हरित होता था। तीन प्रकार का ताप होता ना, आदि भौतिक आदि देव, तीनों ताप को हरण करने वाले स्थान था, परिवेश था, उसके ऊपर वायु अपने थ्री फ्रेज में चल रहे थे, सबको पसंद लग रहा था। लेकिन ये प्रसन्नता के अंदर ही जितनी सभा बैठे हैं सबके अंदर ग्लानी चल रहा है कि दुविधा में क्या होगा, कैसे करें क्या करें, सबसे ज्यादा भरत जी थे। तो गुरु वशिष्ठ ने बुला करके बोले देखो पूरे समाज आप लोग बैठे हैं, और भी जितने साधु सन्यासी जितने यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा नहीं जब वो लोग बैठे, अब सुबह सुबह वो लोग बैठ गए थे,
वशिष्ठ जी बोले देखो अभी और कोई नहीं है, केवल हम ही लोग बैठे हैं, जो अयोध्या से आए हम ही लोग की पार्टी में, इसलिए अलग से बुला लिया। राम अभी प्रातकृत्य में हैं, वे आए नहीं, हम लोग कोई प्लानिंग कर लेते हैं मीटिंग से पहले, प्राइवेट मीटिंग अपना कर लेते हैं, हाउ टू डील विथ इट, क्योंकि आगे चल करके सभी का सामना करना पड़ेगा कोर्ट में, पहले हम लोग तैयारी कर लेते हैं उनको कैसी बात कहें। तो बस जी रिहर्सल करना चाहते हैं स्टेज पे, स्टेज परफॉर्मेंस से पहले। बोले कि देखो ये तो निश्चित है कि हम लोग सब दुखी हो क्या चाहते हैं, और मंगल की एक ही उपाय है, श्री राम ही सर्वमंगल है, और सभी अंदर से बाहर से हृदय से उन्हीं की चाहते हैं, और उनको राजी करा करके अयोध्या के राज दिला दे, उनको अयोध्या ले आ जाए, यही एक ही मंगल के एक ही मार्ग, बचाव के मार्ग है ही नहीं, यही एक मंगल करते हैं। तो इसी मंगल को करने के लिए, सबके अच्छा करने के लिए कुछ उपाय सोचा जाए, कुछ उपाय सोचा जाए। आप सब बैठे सभी अपना अपने सोच प्रचार करो कि क्या, हाउ टू डू दिस, यही एक ही काम है, किसी प्रकार से राम को अयोध्या ले आ जाए, क्या उपाय कर जाए, आप लोग सब बताइए। विशेष करके भरत जी के पूछे, बोले कुमार आप तो उदार हृदय है, बहुत विशेष अपने सोच विचार करें, आपका क्या मतामत है, क्या चाहते हैं, क्या उपाय किया जाए। भरत जी बोले बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं आपके सामने है कौन, आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मा जी को भी मात करने वाले तपस में, तपस्या आदि में, और पूरे धरती को आपने अपने हाथेली में रखे हैं, सारे जानते हैं, ज्ञान के भंडार है, लोक नीति वेद नीति सभी जानते हैं, और राम और मैं क्या, हमारे बाप बाप के बाप बाप को ऐसे कई पीढ़ी तक आप जानते हैं, आप मुझे पूछते हैं उपाय क्या है, जो आप कहेंगे मैं वही है, आपके विरुद्ध कोई जाएगा नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ है, जो आपने बोले कि सबसे मंगलकारी वही है, तो मैं भी ये सोचता हूँ, तो उपाय क्या है, तो आप ही निर्धारण कीजिए, क्योंकि जितने पूर्ववासी हैं अयोध्यावासी हैं सभी लोग के इच्छा तो ही है, सभी सुखी होंगे, वास्तविक सुखी होंगे अगर राम को प्राप्त करेंगे, ये तो आप सह के मैं भी बात में सहमत सभी मानते हैं, लेकिन क्या किया जाए इस स्थिति में अभी आप ही बताइए, हम तो कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो भरत जी इसे कह करके उनके ऊपर फिर छोड़ दिए, भरत के ऊपर बाउंस करते बहुत उनके ऊपर छोड़ दिए, बोले आप ही डिसीजन लीजिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे कैसे पूछ रहे हैं आपने ऐसे विपत्ति के समय में। तो बस से बोले देख बेटा, विद्वान लोग किस प्रकार कार्य करते हैं, अगर किसी ऐसी सिचुएशन आए जब 100% चला जाए हाथ से, नष्ट होने वाला है, डूबने वाला है, तो ऐसे डील करते हैं, चले आधा चले जाए आधा बच जाए, पूरा जाते समय जब देखते हैं कि पूरा जाने वाला है तो प्रयास करो कि पूरा बचाने के लिए तो मूर्खता है, बच ही नहीं सकता, तो कम से इतने प्रयास करके आधा जाए आधा तो कम से कम बच जाए, ये विद्वानों का नीति होता है। तो इसी नीति के अनुसार मेरा कहना है कि राम सत्य प्रतिज्ञ हैं, पिता गुरु आदियों के बड़े आज्ञाकारी हैं और बड़े धर्मज्ञ हैं, नीतिज्ञ हैं, राम के गुण को वर्णन करके बोले ये सब हैं, और वो जो पितृवचन को पालन करके आए हैं, मुझे नहीं लगता इतने आसान से राजी हो जाएंगे, तो हमारा तो सारे गया काम से नहीं जाएंगे, तो एक मुझे उपाय लगता है कि शायद सोच कर देखिए ना क्या
ना ऐसे हालत में एक हो सकता है कि ठीक दशरथ का इच्छा है बेटा कोई वन में रहे राज्य चले, तो ऐसी हालत में ऐसे किया जा सकता है कि राम लक्ष्मण को अयोध्या ले जाते हैं और भरत उनके जगह पर आप दोनों वनवास ले लीजिए, उनके आज्ञा में पालन हो जाएगा, आप दोनों 14 साल वन में रहें बाद में फिर हो जाएगा रो बन जाए। इस डील करने से शायद कुछ काम बने, इस प्रकार के प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को सुन करके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न बहुत हर्षित हो गए, पुलकित हो गए, बहुत इतना अच्छा सजेशन है, लेकिन ये सजेशन देंगे। इतने में ही आपस में प्रिपरेशन चल रहा था, श्री राम लक्ष्मण और सीता पधारे, उनके चल रहा था कि कैसे बोलें, ये प्रस्ताव रखें क्या, इसी सब चले। और श्री राम सीता लक्ष्मण जब आ रहे हैं पर्ण कुटीर से, तो ये जो भारी समाज आया है उनके मिलन, क्योंकि उनके खान पान का व्यवस्था तो कोल किरात हूँ मनुष्य जो जंगली लोग तो सब कर ही रहे थे, तो वो लोग दो दिन से भी देख रहे हैं, दो तीन दिन से क्या चल रहा है, ये लोग सब अयोध्यावासी इतने सिटी वाले हैं, सब कितने अच्छे साफ सुथरे कपड़ा पहनते हैं, कितने अच्छे दिखते हैं, सब बुद्धिमान है, सुसंस्कृत है, इतने बढ़िया है, और राम के प्रति कितने भाव है, ये सब देख कर भी उनको भी लगता है कि बड़े भाग्य से जितने भी तापस थे उस वन में, चित्रकूट कामदगिरी आदि इस बनानी में जितने तपस्वी मुनि ऋषि सब साधन भजन करने के लिए जंगल में एकाकी निवास कर रहे थे, वो सारे एकजुट हो गए थे, असंख्य ऋषि मुनि सब जटा जूट धारण करने वाले, जहाँ भगवान आ गए फिर वो इधर उधर क्यों टाइम खराब करें, राम के पास, और राम के दर्शन करके उनके साथ में समय बिता करके उनके साथ में शास्त्र आलोचना श्रवण आदि करके उनके संग प्राप्त करके सब कुछ दिन से तो अति कृतार्थ हो चुके थे वनवासी तापसी गण, कुछ दिन लगभग एक महीना से कुछ अधिक राम वन में रह चुके थे, तो इतने दिन तक किस वनवासी गण जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे साधन करते, वो लोग तो कृतकृत्य मान चुके थे, बोले हमारा सौभाग्य पता नहीं हठात कैसे आ गया, ऐसे हमारा सौभाग्य हुआ कि राम के संग प्राप्त करते हैं। तो वो लोग तो जब देखे कि ये समाज आया लेने के लिए, तो उनको तो बड़ा भर हुआ, ये क्या है, एक आध महीना अभी 14 साल हम सोचे थे, ये तो अभी लेने के लिए आ गए, ऐसे कैसे। वो लोग सारे शास्त्र फास्त्र पुराना ढूंढ करके नीति लेकर आए थे, बोले हम बताएंगे ऐसे नहीं, हम नहीं ले सकते, हम अपोज करेंगे, प्रतिवादी होकर के वो अपने तैयार होकर आए थे, पूरा अपने प्रिपरेशन कर वकील फकील देख करके शास्त्र फास्त्र ढूंढ ढांड कर सब लेकर आए थे, बोले ऐसे कैसे ले जाएंगे, सत्यवादी है, पितृ आज्ञा पालन कर, कई पॉइंट वो लेकर के अपने से तैयारी होकर आए थे, बोले हम साथ में चलेंगे, और राम जी के पास पहले आ गए थे, बोले प्रभु आपके क्या इच्छा नहीं, मैं तो पितृ आज्ञा मानूं, बस आप नहीं कर हम कहेंगे, हम बिल्कुल उस पॉइंट लेकर आए। केवल बन के तपस्वी ऋषि मुनि नहीं थे, बन के जितने कोल भील आदिवासी किरात जंगली लोग थे, वो लोग भी का तो राम के प्रभाव के कारण सबके हृदय बदल चुका था, अब उन लोग का कठोर अज्ञानता जा करके प्रेम भर चुका था, प्रेम प्राप्त करने के लिए 8 सीढ़ियां होता है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, ये सब बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट लिफ्ट ले लियो, उन्होंने कि राम ही उनके पास आ गए राम के पास हम लोग को साधन करते करते जाते हैं मंगलाती, चलो चाओ रे साधन करो रे कुछ करो, लेकिन उनको तो ऐसा कुछ करने पड़ा, वो ही आ गए उनके पास, कभी स्वप्न में सोचे नहीं थे कि हमारा ऐसे सौभाग्य होगा, इसी जंगल में बिहड़ में हम लोग जो जन्म से केवल पाप कर्म में लिप्त हैं, हिंसा चोरी आदि करते हैं, डायरेक्ट सीताराम आ जाए हमारे पास में, हमारे साथ रहे, तो उनको तो इतने आनंद अतिरेक प्राप्त था, वो उनका तो सब बदल चुका था कि प्रेम से पूरित हो चुके थे वो लोग, सब इतने सुखी हो चुके थे।
अब जब वो देख रहे हैं कि आज ये सब आए हैं समाज राम खान से लेने के लिए, वो भी बोले कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता, कैसे ले जाएं, वो पार्टी भी तैयार होकर के आ रहे हैं, सभी पार्टी आ गई, मतलब विशाल सभा बैठा जिसमें दो पार्टी हो गए, एक तो अयोध्या से जितने आए थे लाखों जनता जो आए थे, आगंतुक बनान बन वाले नहीं है वो एक पार्टी, और बन के पेड़ पौधे लते पते पशु पक्षी समेत बन के तपस्वी बन के कोल भील किरात और तपस्वी मुनि ऋषि और सीताराम लक्ष्मण तो है ही है। सीता जी और लक्ष्मण जी तो जैसे प्रभु कहेंगे वो भी चलो हम चल पड़ेंगे, नहीं तो रुक तो रुकेंगे और क्या करें, ऐसी इच्छा तो था चले जाने से अच्छा है लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा, वो जब कहेंगे रुको तो रुकेंगे, जाएंगे तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उनके ऊपर है। तो इस हिसाब से मीटिंग में आकर पहुंचे, सब पहुंचने के बाद राम जी आए, अभिवादन किए, सभा को गुरु जी को प्रणाम किए, सभी बड़ों को प्रणाम किए, माता सभा के बैठे। अब उनको उनके पार्टी के प्रेजेंस की देखकर सब चुप हो गए, कौन बोलेगा पहले, क्या बोलेगा, कैसे बोलेंगे, कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। भरत जी को संभला नहीं जा रहा है, वो जाकर राम के चरण में सीधा गिड़गिड़ाए सर पीट कर प्रणाम करते, पैर पकड़ करके बोले प्रभु आप तो अंतर्जामी है, समझ रहे हैं बात, अब चलिए। आपको अयोध्या लेने के लिए हम लोग सुबह आए हैं, अयोध्या की बुरी दशा है, आप चलिए कृपा करके। मैं मानता हूं कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस दिन आपको राज्य में अभिषिक्त होने जा रहे थे मेरी माँ की कपटता के कारण कुचाल के कारण ऐसे हो गया, वो भी पछता रही है, उनके और मुझे माफ कर दीजिए, उनको तो माफ करो ना करो मुझे माफ कर दीजिए, आप तो क्षमा के समुद्र हैं, माफ कर दीजिए प्लीज चलिए। राम रोठक बोले नहीं आप तो नहीं थे, मुझे ही आदेश प्राप्त है, पिताजी ने मुझे बोले आप जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता, पिताजी के द्वारा राज्य आपको दिया गया, माँ ने उनको प्रसन्न किया था, बोले माता ने पिताजी को प्रसन्न किए थे सेवा से, और पिताजी ने इतने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए थे, और इसी वरदान को साधन बना करके उन्होंने आपको राजा बनाना और मुझे वन को जाना उन्होंने मांगे थे, और पिताजी ने वचन को बड़े महत्व देते हैं, आपने वचन को बचाने के लिए मुझे त्याग दिए, और मुझे त्याग दे करके स्वयं सिधार गए, क्यों मेरे बिना भी रह नहीं सकते, प्रेम मेरे प्रति इतना है, और मैं कैसे उनके सत्य को इकट्ठे करूं। भरत जी के बात सब सुन रहे हैं, भरत जी के मनाना चाहे, और राम जी ने सुन करके उनके पॉइंट दिए, वो काट दिए, बोले नहीं मैं तो उनके पालन करूंगा, मैं कैसे उसको। तो भरत जी बोले भैया एक बात सही, आप अपने सिमुख से बोलते हैं कि पिताजी ने खुश हो करके वरदान कर दिए, माँ को दे दिए थे राज्य, और माँ ने उनसे मांग कर मुझे दे दिया, यही ना हाँ, तो ठीक है मैं मानता हूँ, ऐसी परंपरा से पिताजी से माताजी माताजी से मेरे पास आया, जैसे भी हो किसी प्रकार से राज्य के राजा मैं मेरे पास है, मैं आपको देना चाहता हूँ आप लीजिए आप अगर मुझे मानते हैं कि पिताजी के उन्होंने न्याय की जायज अधिकार मेरे पास, मैं अधिकार आपको देना चाहता हूँ आप लीजिए। राम जी बोले क्यों आपका अधिकार मुझे देना चाहते हैं, मैं राजी नहीं हूं लेने के लिए, तो जबरदस्ती में देना चाहते हैं क्यों देना चाहते हैं। भरत जी बोले देखिए ये बड़े गड़बड़ में हो गया, मैं इसलिए देना चाहता हूं कि आप होते होते मैं राज करूं ये किसी को पसंद नहीं होगा,
समर्थ व्यक्ति होते हुए असमर्थ को क्यों रूलर बना जाए। आप सब प्रकार से मेरे से ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, नीतिवान है, धर्मज्ञ हैं, और सभी आपको चाहते हैं, आप सबको प्रिय करते हैं। और इस ऐसी हालत में जैसे कोई नदी के बांध टूट जाए, बिल्कुल बड़ी वेग से पानी बन्या आ जा रहा है, भयंकर बन्या आता है, उसको संभालना कोई छोटे मोटे लोगों के हाथ में नहीं है। इसमें महासमर्थवान कोई हो, प्रबल शक्तिवान हो, उसी बन्या की स्थिति को संभाल सके, वो तो केवल आप ही है। हमारे से बनेगा नहीं। अयोध्या की ऐसी स्थिति और ऐसे बिगड़ा हुआ स्थिति तो आप ही समर्थ है, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख लिया आ करके कि मेरे से बनेगा नहीं, संभलेगा नहीं, इसलिए मैं आपको देता हूँ। आप जो पूछते हैं कि मुझे क्यों देना चाहते हैं, मैं इसलिए देना चाहता हूँ ना, मुझे क्यों देना चाहते हैं ना, आप ही एक ही समर्थ है, बाकी कोई है ही नहीं। मैं शत्रुघ्न के लक्ष्मण किसी ने नहीं, नो बडी इज फिटिंग, आप केवल फिट कैंडिडेट है, इसलिए आपको चुन करके, अब मैं अकेला नहीं, मैं सबसे डिस्कशन कर लिया, आप ही फिट है। आप क्या बात नहीं मानते हैं, आप सत्यसंध धर्मज्ञ और सबके प्रिय करने वाले हितकारी हितैषी ये सबके नहीं है, ये क्या बात नहीं मानते, लोक में वेद में आपके गुण क्या छिपा है, ये बात को तो आप ही जानते हैं। आप जिसने सबको प्रिय करने चाहते हैं, सभी आपको प्रिय लगने लगते हैं, तो आप क्यों राजी नहीं होते हैं? आप क्योंकि अयोध्या के कल्याण नहीं चाहते हैं, हम लोग का सुख नहीं चाहते हैं, अयोध्याओं के प्रजाओं का सुख नहीं चाहते हैं, मातागण के, गुरुजन के, ब्राह्मण के कल्याण सुख नहीं चाहते हैं, आप क्यों राजी नहीं होते हैं? ऐसे ऐसे अकाट्य युक्ति तर्क चला शाम तक, और जो दोनों मेन युक्ति चल का जो पार्टी में आए थे खड़े होकर सब तैयार होकर के, उनको चांस नहीं मिल रहा था बोलने के लिए कुछ, उन्हीं दोनों का चल रहा था। शाम हो गया, सभा शांत हो गई, बोले कल देखेंगे, कल के लिए डेट लीजिए, अब चलो। गए सब। अब कहते हैं कि सीता जी ने, राम जी ने उनको इशारा किए होंगे, सीता जी ने उनके सासू माँ के सेवा के लिए आए, जितने सासू माँ थे इतने रूप धारण किए सीता जी ने, इतने रूप धारण किए, लेकिन कोई नहीं देख पाए इसको, केवल श्री राम जी जानते हैं और सीता जी जानते हैं, यहाँ तक कि ना कौशल्या ना सुमित्रा ना कैके किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ भी है, हमारे साथ भी, उनके साथ भी है, एक साथ में तीन रूप धारण करके तीनों को ऐसे सेवा की, प्रसन्न की, जिससे उनका इतने प्रसन्न हुआ, अंतर भर करके उनका आशीर्वाद दिए, सब कुछ दिए। कैके को बहुत पछताव होता था कि इतने अच्छी है सीता जी, मैं क्यों ऐसा किया उनके साथ गड़बड़, वो भी बहुत दुखी मानती थी अपने आप को। और श्री राम जी के इच्छा से सभी के भरण पोषण होता था, लेकिन फलाहार होता था, किचन था नहीं, क्या करें, एकादशी चल रहा था, अभी चौथा दिन पांचवा दिन हो गया, नहर नहीं है, फ्रूट जूस, फ्रूट्स एंड रूट्स जूस, इसमें से चल रहा था। खैर इसी का की आवश्यकता नहीं था, राम कृपा ही बहुत कुछ था, इसमें उनका मन स्वास्थ्य पेट शरीर सब भर जाता था इसी में, और उनको लगता था कि शायद हो ना हो भारी पड़ रहा है कि हमारा हम भारी पड़ जाए, जाता राम राजी हो जाए, क्यों बोलते हैं उनको। तो इस प्रकार से राम भरत की एक दूसरे को राजी कराने के लिए ना जाने कितने नीति, कितने शास्त्र, कितने लोक नीति, कितने प्रकार के उपाय से कहे, और एक एक पॉइंट किसी का कोई ऐसा नहीं था कि कम कीमत वाले हो, सब एक से एक बढ़कर मजबूत था नीति। भरत जी तो फाइनल डे में बताए कि
बोले देखे श्री राम को बोले जी अगर आप दया के सागर है, आप अगर नहीं मानोगे, आप ठीक है, मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई वापस नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, धरना देने के लिए वो सोच रहे थे। आप नहीं जाएंगे तो हम कोई खाएंगे नहीं पिएंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से छोड़ करके। दूसरे बोले ठीक है अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम सभी आपके साथ रहेंगे जंगल में, और कोई नहीं जाएंगे अयोध्या। सब बोले हम भी रहेंगे, जब तक आप नहीं जाएंगे हम सभी रहेंगे। तो राम जी हर एक बात को युक्ति से काट रहे थे, बोले ऐसा नहीं। राम जी सबको बोले नहीं, अयोध्या की इस अवस्था है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप इस रहे, फिर इस प्रकार से आप सब वापस जाइए। राम की बड़े शीतल मधुर वचन सबके लिए आज्ञा दे रहे हैं कि सब वापस जाइए जल्दी से जल्दी, अपना लेट नहीं कीजिए, आज ही निकल जाइए। इस बात को सुन करके सबको हृदय में जैसे वज्राघात हुआ, कष्ट हुआ, बोले ये क्या कर रहे हैं, हमको भेज रहे हैं, कुसंग नहीं जा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी उठ करके बोले, सब आशा रखते वशिष्ठ जी संभालने उठ करके बोले, बोले श्री राम ये कुल परंपरा रहा सूर्यवंश का, सूर्यवंश का एक परंपरा रहा कि वंश में ज्येष्ठ ही राजा बनता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है, जो बड़े होते हैं उनको राजा बनते, तो आप बड़े हो तो इसलिए मान लेना चाहिए। तो उनके बाद भी बोले कि गुरुजी आप सही बोलते हैं, मैं तो मना नहीं कर रहा था राजा बनने के लिए, मैं तो फास्टिंग भी उस दिन किया था, मैं ड्रेस फेस भी सिलाई करके ऑर्डर दिया था बनने के राजकुमार बनने के लिए, लेकिन पिताजी ने तो सत्य पालन करने के लिए मुझे आज्ञा के इसमें आया। तो भरत जी ने बोले मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, आप तो नीतिज्ञ हो, सत्य प्रतिज्ञ हो, अगर किसी ने किसी कारण से कोई गलती कर दिया, उस गलती को उसी को परंपरा को चलाना चाहिए ना, उसको सुधार करना चाहिए। बोले पिताजी की ये इच्छा नहीं था कि मैं राजा बनूं अब वन में जाए, बोले पिताजी ने अपुत्रिक थे, पुत्र उत्पन्न किए थे, 50% लगा करके आपको पहले प्रकट कराए थे कि आपको राज्य देना चाहते थे, हजारों साल जिस प्रजाओं को पालन किए थे, जिस धरती को अश्वमेध यज्ञ राजस्व यज्ञ कर चुके थे, इतने श्रेष्ठ कृति वाले पिताश्री अपनी पूरी शक्ति लगा करके आपको पैदा ही किए थे कि आपको राजा बनाने के लिए, और उसी दिन क्या मैं तो नहीं था लेकिन आपसे सुन रहा हूँ कि आपके राज्याभिषेक होने के लिए सब तैयारी नहीं हुआ था क्या, बताए ना हुआ था, तो फिर तो पिताजी की तो इच्छा इससे पीर प्रकट होता ना कि आपको राजा बनाना चाहते थे, मेरे पास तो फोन भी नहीं किए थे, मैं एब्सेंट था तब भी आपको राजा बनाना चाह रहे थे, इतनी जल्दी इतनी इच्छा था उनका, आपको प्रकट उत्पन्न कराए थे इसके कारण, और आपको राजा बनाने का इच्छा से जब प्रस्ताव रखा गया अयोध्या की राजसभा में, सब लोग नाचने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगा, इतने फेस्टिव मना लगे कि चलो हम तो कई के लोग तो बोल भी डाले, बोले हे राजा दशरथ हमारा मन में तो बढ़तू रहा, आप बुरा मानेंगे इसलिए बोल नहीं रहे थे कि क्यों अब तक आप छोड़ नहीं रहे, आप रिजाइन करते राजा राम को राजा बना क्यों नहीं देते। दशरथ को पता चला सही में बात ना, आप हम अपने गलती मत मानना, लेकिन हम तो पहले भी सोचते थे, आप बहुत लेट में बोले, पहले कर देना चाहिए था। और उसी दिन जब डिक्लेयर किया कि काल करेंगे राम के राज्याभिषेक, उसी दिन एक सेकंड के लिए अयोध्यावासी कोई नहीं सोए कि झपकी भी नहीं लिए, सब व्यस्त थे अरेंजमेंट में कि अरे जीवन में एक बार आएगा राम के राज्याभिषेक देखेंगे। अपने दूर दूरांत के जितने बंधु मित्र सबको बुलाए, रात भर लोग आने लगे, भीड़ इकट्ठा होने लगा, क्या क्या व्यवस्था होने लगा, इसमें किन इतना ही पता चलता कि पिताजी की इच्छा क्या था, आप पितृ आज्ञा का पालन करना चाहते ना, पिताजी के हृदय की इच्छा क्या था इससे क्या प्रकट रहता है। आप बोलते हैं पितृ सत्य पालन करने, पिताजी की इच्छा ही था कि आप राजा बने, और आप समर्थ भी थे, और सारे अयोध्यावासी प्रजा सभी आपको ही चाहते थे, सब प्रकार व्यवस्था था, लेकिन क्या करूं विधाता मेरा उल्टा दिखा, मैं इतने हतभागा हूं
मैं नहीं था, फिर भी मेरे दुर्भाग्य मेरे पीछे नहीं छोड़ा, मेरे पीछे पड़ कर के माँ की बुद्धि फेर दी एंड टाइम पर। क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने इसे कुचाल की, पिताजी को बरबस इस विवश करके उनके मुख से सत्य प्रतिज्ञा करवा ली और ये सब घटना कर ली। पिताजी के अनिच्छा सत्व ये सब हुआ, पिताजी की इच्छा वास्तविक आपको राजा करना था, ये तो मेरी माँ की कपटता थी, विवश करके उनसे मुंह से निकाला, बोले राम वन में जय, ये उनके सच। वो जो गलती उसी को पालन करेंगे सुधारेंगे नहीं, पिताजी तो कोई विशेष परिस्थिति के कारण इस प्रकार से अब विपद काल विपरीत बुद्धि इस करके कर दे, तो उसको आप सुधारना चाहिए। पुत्र वही है सतपुत्र जो पिताजी के द्वारा कभी मिस्टेक हो गया कहीं किसी परिस्थिति के कारण किसी विशेष कारणवश, तो उनको करेक्ट कर दे, संशोधन करे। तो आप जैसे समर्थ पुत्र उसको संशोधन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसी परंपरा को, गलती को आप ही मानेंगे क्या? तो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप ही चलिए। तो अब राम जी कुछ कहें तो बाकी जितने भी वनवासी लोग थे ऋषि मुनि के साथ, वो लोग ओढ़ पड़ बोले नहीं, सत्य सत्य होता है, पितृ आज्ञा पालन करके आए। अरे आप भी तो देखो कि बोले अयोध्या अयोध्या कर रहे, हम भी तो प्रजा है, आप तो कितने सूर्यवंशी राजा हुए, आपके सब देखे राज हुए क्या के सब देखे, हमारे पास कोई राजा कभी नहीं आता था, पहली बार कितने सालों के पीढ़ी के युग के बाद एक कोई आया हमारे पास में, आप महीने भर में वापस लाना चाहते, आपके अंदर थोड़ा सा भी दया हमारे प्रति नहीं होता? हम जैसे पापी लोगों के प्रति हो तो आए पैदल में चल कर के आए, उनके कृपा से वो आए, आप उनको भी छीनना चाहते क्यों? कुछ दिन रहने दीजिए, सत्य पालन करने दीजिए, इसमें कोई गलत थोड़ी, वो खुद बोलते हैं सत्य संध है उनको सब बता रहे थे, बोले हमारा भी तो कल्याण हो रहा है इसमें, केवल राजा बैठ के आपको उपकार करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? हम प्रतिदिन उन देखते हैं, देखो हमारा कितने कुस्वभाव था, कुकर्म था, कैसे नीच जाति, लेकिन उन्हीं के कारण हम कितने बदले, नहीं तो आपके सारे ब्याग वागे चोरी करके हम ले गए होते, लेकिन आपके समान चोरी नहीं किए, आपको खिलाते पिलाते हैं, कि आप नहीं चाहते हमारा थोड़ा कल्याण हो, राम कुछ दिन और यहाँ रहे, उसे लेने के चक्कर में पड़े हो। मुनि ऋषि भी बोल रहे थे, देखो हम सब आए, हमको बड़े सिद्धि से जिसके लिए साधन करते, स्वयं सिद्धि हमारे पास आए चल करके, उसको कैसे आप ले जाना चाहते हैं? कुछ दिन हमारे पास भी रहने दीजिए। और धीरे धीरे पल्ला उनका भारी पड़ने जा रहा था राम जी की तरफ से, भरत जी जितने प्रकार की देते थे वो कट जा रहा था सब, राम जी भी काटते थे उनके तरफ से, वो सारे वकालत करके आए थे सब, वो लोग भी एक से एक पॉइंट दे करके, अब कुछ टिक नहीं रहा था। वशिष्ठ से भी बीच बीच में एक ऋषि थे जावाली, वो उठ करके नास्तिक मत प्रतिष्ठा किए, वो बोले अरे कौन किसी का माता पिता, कोई किसी के नहीं, दुनिया में सब अकेले आए हैं, ये सब बेकार है, आप क्यों कष्ट सह रहे हैं, जब तक जियोगे अच्छा से जियो, अयोध्या जैसे राजपाट है, वो विधवा बन करके अयोध्या नगरी आपको देख रही है, आप जाएंगे तो बड़ी बंधन करेगी आपके बिना, इस प्रकार दुख में आप जाइए, इस क्यों रह रहे इस कर, बहुत बड़े लंबा चौड़ा प्रवचन उन्होंने दिए। यद्यपि किसी को अच्छा भी लगता बुरा भी लगता था क्योंकि वो अशास्त्रिक था, लेकिन भगवान राम ने तुरंत इस नास्तिक मत को खंडन किए, वो बोले नहीं, बोले आपके मत को मानेंगे तो मैं अगर उसको पालन करूंगा फिर दुनिया में वर्ण संकरता पैदा हो जाएगा, जो धर्म नाश हो जाएगा, असत्य खत्म हो जाएगा, उनको बंद करा के बैठे, बोले ऐसे नहीं। अब दूसरे दूसरे प्रपजाल की दो भाई ये रह जाएं, तीन भाई रह जाएं कि एक चले जाएं, ऐसे एक्सचेंज होने लगा, आप चले जाए हम तीनों चले जाएं, नहीं तो ये हो जाए ऐसे हो जाए, कई प्रकार से उन लोग को बात को उनके तरफ से जो लोग थे इस प्रकार युक्ति से काटने लगे। अब किसी भी प्रकार से अब तीन दिन मीटिंग चल रहा है, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। राम जी बार बार बोलते हैं कि आप लोग वापस जाना चाहिए,
वो बोलते वापस कैसे जाएं। तो जब इस प्रकार तो भरत जी अंतिम तिथि का निर्णय करके आया, बोले अब क्या होगा, मुझे कुछ लगता नहीं मैं क्या कर सकूं। दूसरे दिन भरत जी आए, अब 5 दिन बीत चुका है वन में आकर के, सभी के सामने सभा में आकर के इस प्रकार भाव से आए कि जैसे अब राम नहीं जाएंगे, उनको भावना ऐसे लग रहा था। कभी कहते हैं कि जैसे कभी कभी ग्रीष्म काल में नदी के पानी सूख जाता है, नदी के तले जो कीचड़ होता है, मछली कीचड़ के नीचे रहते हैं, कीचड़ के नीचे कब रहेगा, कीचड़ भी सूख रहा है, पानी जला जा चुका, तो कितने व्याकुल होते हैं मछली, बस आसन्न मृत्यु अब तो मरेंगे, कीचड़ भी सूख जाएगा। तो इस प्रकार व्याकुल हो रहे भरत जी, उनका ऐसी स्थिति है जैसे नदी के पानी सूख चुका है और कीचड़ के अंदर डूब करके मछली व्याकुलता से प्रार्थना कर रहा है, इस दशा है, मैं क्या करूं। बहुत व्यथित व्याकुल हो करके बोलते क्या करूं, जाके अनशन कर दूं धरना करके। बोले इसे हट करना भी उचित नहीं है, मैं उनके दास हूं, आज्ञाकारी हूं, क्या कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं लगता। अब उस दिन और कई दिन से तो ना खाते ना पीते, इस दशा में आकर जो सभा में बैठे, राम के चरण में पूर्ण रूप से प्रणत हो करके प्रणाम करके जो बैठे थे, उनके रूप को, उनके भाव मुद्रा को, ये सब को देख करके सब लोग बोलते हैं कि भरत जी तो आज कुछ अलग ही दिख रहे हैं, इतने सरेंडर। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, जब बैठे बोले, मेरे प्रिय भ्राता, अब मैं क्या कहूं, आप इतने श्रेष्ठ पुरुष हैं, इतने लोगों के लिए प्रिय करने वाले हैं कि अगर आप रास्ता में जाते होंगे और रास्ता में अति द्रोही द्वेषी और क्रोधी सर्पिणी बिच्छू भी जो भयंकर है, कोई नहीं देखते आकर काट देते हैं, ऐसे द्रोही होते हैं, द्वेषी होते हैं और क्रोधी भी होते हैं, ऐसे महाक्रोधी द्वेषी द्रोही जंतु सर्पिणी और बिच्छू भी आपको देख करके अपने भयंकर द्वेष क्रोध बीस इसको त्याग करके शांत हो जाते हैं, आप ऐसे हैं। लेकिन ऐसे आपको देख करके वो लोग अपने क्रोध द्वेष और बीस को त्याग करके शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरी माँ आप उनको अप्रिय लगे, जिनको आप अप्रिय लगे उनको क्या कहा जा सकता है, शास्त्र में लोग इनका कोई तुलना ही नहीं है, ओ तो ओ रही और मैं उनके बेटा हूं, मैं उनके बेटा हूं, मेरा तो दुर्भाग्य का सीमा ही नहीं है, क्योंकि उनसे जाकर जो उनको राम प्रिय नहीं है उनसे जो बनेगा। बोलते हैं कि कहीं घास के पेड़ में कोई मोती उगता है क्या, उनसे तो क्या बनेगा, मैं ही तो बनूंगा, मरी जैसे हतभाग अभागा विधाता हमेशा मेरा ऐसे दुख देता है, मुझे हमेशा ऐसे अघटन मेरे से घटता है, कोई साथ नहीं देता, इस अवस्था में पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए, आप भी सीताराम लक्ष्मण आप भी छोड़कर के आ गए जंगल में, और बिना जूता में खाली पैर में अपने से कष्ट पा रहे हैं, पूरे अयोध्या की पूर्ववासी अयोध्या नगरी उजड़ा गया है,
सब मेरे के कारण हुआ है, सबके कारण मैं हूँ। लेकिन ये सब होते हुए भी मैं जान करके भी मैं जब आया देखा कि पिता भी नहीं है, आप भी नहीं है, देश श्रीहीन है, ये सब देख करके सुन करके समझ करके मैं इतने अभागा हूँ ना, मैं मर नहीं गया, मेरे छाती फट नहीं गया। जब मैं आ रहा था आपसे मिलने के लिए, अब मुझे फिर ऊपर से राज तिलक कराना चाहते थे वो लोग, तो मैं सच बताया तो फिर सब राजी हो गए, फिर आए आपके साथ। जब ये निषाद राज का, ये नीच अनपढ़ गंवार निषाद राज का प्रेम आपके प्रति में देखा, मैं बोला धन्य है। उसको देख कर भी मेरा कठोर छाती वज्र जैसा छाती में क्राक भी नहीं आया, कम से कम छेद होना चाहिए तो भी देखो। आप सोचते कुछ ज्यादा क्वालिफाइड है, राजकुमार है, ये देखो कितना प्रेम है राम का। तो ऐसे मेरा दुर्दैव दुर्दशा, ऐसे दुख और इसी हालत में तो गुरुजी ने मुझे राजा बनाना चाह रहे थे। मैं तो हाथ जोड़ा कैसे करके, बोले चलो फिर राजी होकर के आपके पास लेकर के आए। लेकिन इस हालत में मैं से दुर्दैव में से इस हालत में अगर आप मुझे सहायता ना करें तो आप जाने। ऐसे मर्मंतत भाव से कातरता को प्रकट करते रोते हुए हाथ जोड़ करके ऐसे विनित भाव से प्रार्थना किए राम के सामने, तो उनका व्याकुलता, उनके जो प्रार्थना, उनके आरती, उसको देख करके जिसमें एक एक शब्द में, एक एक अंग प्रत्यज्ञ में राम के प्रति प्रेम झलक रहा था, राम भक्ति झलक रहा था, उसको देख करके केवल पूर्ववासी उनके पक्ष के जितने लोग थे वो नहीं, जितने लोग राम के सपोर्ट में आए थे उनके तरफ से खड़े थे वो लोग भी बोले प्रभु जो भी हो हमको देखना तो आपको चले अयोध्या चले जाएंगे, हम आप जाइए जाइए, उनका दुख हमसे देखा नहीं जाता, भरत जी के शोक हमसे देखा नहीं जाता, हमसे रहा नहीं जाता, प्रभु और राजी होकर चले जाइए, हमको अगर मिलना है तो हम चले जाएंगे अयोध्या में, एक दो दिन बिता करके आ जाएंगे और क्या, मना तो नहीं करेंगे। वनवासी लोग भी राजी हो गए भरत की सपोर्ट में। भरत अपनी शोकाकुल आरती और विनयता के कारण, अपनी समर्पणता के कारण सबको वश में कर लिए, सबको वश में कर लिए। अब क्या होगा कि सारे चुपचाप बैठे हैं, राम जी उठ के देख रहे हैं, उनको भी सहन के देते, राम के हृदय तो शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, दया सिंधु है, जिनका स्वभाव में इसे भरा पड़ा है, और उनके भरत जैसे श्रेष्ठ भक्त इस प्रकार स्थिति में है, तब जी राम जी क्या कहेंगे स्थिति में देख करके, सारे उनकी ओर मुंह करके बैठे हैं और अंतर से सब वोट उनका तरफ जा चुका है। अभी राम जी स्थिति में क्या कहेंगे शाम के सत्र में सुनेंगे। अपने साईं महाराज की।